गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग द्वारका नगरी के बारे में जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ये हिंदुओं के चार धाम में से एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है और इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। ये सात पुरियों में एक पुरी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी हुई है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के सात सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यहाँ आज भी कई बड़े मंदिर स्थित हैं जहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था।